प्रेस द लॉर्ड एवरीवन, सभी को प्यार भरी जय मसीह की। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करने जा रही हूँ उसका कुछ हिस्सा आपने वीडियो की स्टार्टिंग में ज़रूर देख लिया होगा, लेकिन इस वीडियो का पूरा पार्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि एक ऐसी घटना हुई जिसे देख कर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से आज बजरंग दल के और बाकी धर्मों के लोग ईसाई लोगों को परेशान कर रहे हैं, किस तरह से वो चर्चिस में घुस के लोगों के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहे हैं, वो आप इस वीडियो में देखेंगे। लोग जहां पर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने किसी से कुछ नहीं मांग रहे, परंतु उन्हें सताया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, सताव हो रहा है। सो प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो क्लिप को देखने के बाद इस वीडियो को पूरा देखकर जाएंगे और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। एंड तक जरूर देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और लोगों तक भी परमेश्वर के वचन को शेयर किया जा सके और लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जानकर आज़ाद हो सकें। सो प्रियो, आपका एक शेयर किसी को परमेश्वर पिता से मिला सकता है, इसलिए वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग परमेश्वर जिंदा खुदावन को जान सके और अपनी लाइफ से सारे बंधनों को तोड़ सके। सो प्रियो, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, आप पहले इस क्लिप को देखें, फिर मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करूँगी। आप इस क्लिप को ज़रूर देखें। वीडियो में आपने देखा किस तरह से वो लोग चर्च में घुस गए और अपने धर्म के नारे लगाना शुरू कर दिया, और जो लोग वहाँ पे आराधना प्रार्थना कर रहे थे उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वो लोग किसी को कुछ नहीं कह रहे थे, चर्च में संगति कर रहे थे, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम ले रहे थे, जिस सब से इन्हें परेशानी हो रही थी, और इन्होंने आके वहाँ पे दंगे शुरू कर दिए। प्रियो, आप सभी को पता है कि जब इनके भाई बहन जो हैं अंधकार में होते हैं, जब परेशानियों में होते हैं, तब ये इनमें से कोई भी इन्हें बचाने के लिए नहीं आता है, कोई भी इन्हें नहीं बचाता है। परंतु जब परमेश्वर की ओर ये लोग फिर जाते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं, सच्चाई को जान लेते हैं और अपना मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर लेते हैं, तो इन लोगों को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। ये लोग वहाँ पर दंगे करते हैं और उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, ताकि वो ना परमेश्वर को अपनाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर लाइट है, लाइट को कोई पसंद नहीं करेगा जो अंधकार में होगा। परमेश्वर रोशनी है, परमेश्वर ही वो द्वार है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। पर यीशु मसीह के अलावा कोई भी हमें स्वर्ग तक नहीं लेके जा सकता। दूसरी तरफ शैतान भी अपनी सेना को भरने के लिए तैयार है। शैतान चाहता है कि नरक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं, ताकि उसका जो नरक है भर जाए। इसलिए उसे चिढ़ होती है, उसे जलन होती है जब लोग प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। इसलिए हमें शैतान को और जलाना है और अपने प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। प्रभु यीशु मसीह का भी सताव हुआ, तो हम उसके चेले हैं, हम उसके बेटे हैं,
तो हमारा सताप भी जरूर होगा, ऐसा वचन हमें बताता है। सो अब सवाल ये उठता है कि प्रभु ने अगर ताड़ना सही तो हमें भी ताड़ना सहनी पड़ेगी। क्या परमेश्वर इन लोगों से बदला नहीं लेंगे? क्या परमेश्वर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ देंगे और मसीह लोग ऐसे ही अत्याचार को सहन करते रहेंगे? आखिर कब तक? तो चलिए हम बाइबल से पढ़ते हैं एक वचन को, रोमियो 12 की 19 आयत, जहाँ पे लिखा है, हे प्रियो अपना पलटा न लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह ही बदला लेंगे। हमें चुप रहना है, परमेश्वर के ऊपर सारी चीज़ों को छोड़ देना है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भयंकर है। लिखा है जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। सो प्रियो, आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू।